हेलो गाइस, ये है रियलमी C65 26 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, लेकिन आज डेट है 25 अप्रैल, एक दिन पहले मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जिसकी अनबॉक्सिंग आज अपन इस वीडियो में करेंगे। आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन क्यों खास है। वैसे ये 10,000 के नीचे ही आएगा और ये 5G भी है और इसमें दो वेरियंट आएंगे, 4128 और 6128, दो वेरियंट आने वाले। और 4128 वाला जो वेरियंट है वो आपको 10,000 या उससे थोड़ा नीचे हो सकता है, और 6128 वाला जो वेरियंट है वो 11,000 या 11,500 का हो सकता है। तो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और आपको चाहिए बजट रेंज में, यानी 10,000 के नीचे नीचे एक 5G स्मार्टफोन, एक ट्रू 5G स्मार्टफोन जो एक्चुअल में आपको 5G का मजा दे, तो फिर ये आपके लिए बहुत खास हो सकता है। तो इसकी वीडियो लास्ट तक देख लेना। वैसे मैं आपके लिए पहले लेकर आ गया हूं, तो चलो जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स के अंदर निकल रहा है एक बॉक्स, और जिसके अंदर हमको मिल रहा है ट्रांसपेरेंट का बैक कवर विथ सिम इजेक्टर टूल और यूजर मैनुअल भी आता है। कवर की क्वालिटी ठीक ठाक थी, और अंदर मिलेगा हमको अडेप्टर और एक चार्जिंग केबल भी। वैसे अडेप्टर में आपको बताऊं, 15 वोल्ट का अडेप्टर मिल रहा है, यहाँ पर 15 वोल्ट का अडेप्टर है। एटलीस्ट 18 वोल्ट का होता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि इस रेंज में चाहे 10,000 की रेंज क्यों ना हो, लेकिन जहां दूसरे ब्रांड इस रेंज में हमको 18 वोल्ट के अडेप्टर दे रहे, तो एटलीस्ट यहाँ पर भी 18 वोल्ट होना चाहिए था इन बॉक्स। बस ये एक चीज मुझे लगी जो कि इंप्रूव करी जा सकती थी। खैर आगे बढ़ते हैं, बाकी हमको मिलेगा यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, इनको रखते हैं एक बार साइड में। अब देखते हैं हमारे स्मार्टफोन को। तो स्मार्टफोन ये रहा कुछ, स्मार्टफोन आता है हमारा पॉली कार्बोनेट बॉडी के साथ में, और फोन काफी सही लग रहा है दिखने में। पीछे जो ये कैमरा स्लॉट है बिल्कुल एक वॉच की तरह है, दिखने में प्रीमियम भी लगता है, अच्छा भी है। बाकी अगर इसके बॉडी की बात करें, हल्का फुल्का सा है, ज्यादा वेट नहीं है, 7.9 mm की इसकी थिकनेस रहती है, और ठीक है, हैंडी फोन है। स्क्वायर शेप की बॉडी के साथ में आ रहा है, जिसमें हमको पीछे ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल रहा है। आपको लगेगा कि 3 कैमरे, बट वो ड्यूल कैमरा सेटअप भी, एक फ्लैशलाइट रहती है। नीचे के साइड पोर्ट की बात करें तो हमको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएंगे, माइक मिल जाएगा, और 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, जो कि काफी सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर फ्लैगशिप लेवल के मिड रेंज के स्मार्टफोन में भी आजकल 3.5 mm का जैक नहीं आता है। ऊपर के साइड हमको मिलता है सिम ट्रे, जिसमें हम एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर 2 सिम लगा सकते हैं, हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग। बाकी इसमें साइड फिंगरप्रिंट आएगा, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं आती है, IPS LCD डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, आराम से एक दिन निकालेगी, बट हाँ, अगर आप इसमें 5G यूज करोगे तो 5G नेटवर्क आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा, आपकी बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, तो वो चीज आप देख लेना। तो अब आते हैं अपन डिस्प्ले पर। काफी सही डिस्प्ले मिल रही है इसके अंदर, 6.6 इंच की 120Hz की डिस्प्ले है। वैसे ये सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहा है। बाकी ये फोन सिर्फ और सिर्फ इसी फीचर के मामले में सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन ही, यानी कि 120Hz की डिस्प्ले जो मिलती है, एक और फीचर है जिसमें ये सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन बन जाता है, वो फीचर है IP54 रेटिंग। ये स्प्लेस और डस्ट रेजिस्टेंट है, छींटे या फिर थोड़ी डस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीन क्वालिटी की बात करें तो स्क्रीन क्वालिटी ठीक ठाक थी, कलर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, बट ये है कि जब आप इसको यूज करोगे तो थोड़ा सा जर्की फील होगा। मैंने इसको यूज किया, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऑन किया तो थोड़ा सा लैग कर रहा था, थोड़ा सा देखो एप्लीकेशन जब अपन ऑन करेंगे तो फर्स्ट टाइम थोड़ा डिले होगा, थोड़ी सी लैग करेंगी, थोड़ा सा जर्की फील आपको हो सकता है, बट हाँ अगर आप कंटिन्यू यूज करोगे थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा, ज्यादा इश्यू नहीं आएगा आपको। बाकी ओवरऑल देखें तो स्क्रीन स्मूथ चलती है और पंच होल डिस्प्ले भी है, तो यूज करने में आपको ज्यादा मजा आएगा, थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का फील होगा आपको। अब आते हैं अपन प्रोसेसर पे। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो कि डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 मिल जाता है। अब इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको ये डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा, ठीक ठाक, यानी कि आपको अच्छी खासी स्पीड भी दे देगा और आपको चलाने में मजा आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार बिल्कुल लो क्वालिटी का आपको प्रोसेसर मिल रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसके अलावा 5G बैंड की बात करें तो 9 5G की बैंड आपको इसके अंदर मिल जाएगा, यानी कि आप ट्रू 5G यूज कर सकते हो, स्पीड भी काफी अच्छी खासी मिल जाएगी। 9 5G बैंड है इस रेंज के अंदर, 9 5G बैंड मिलना काफी सरप्राइजिंग था और इम्प्रेसिव भी, क्योंकि जहां 20-25 हजार में भी हमको 7 5G के बैंड देखने को मिलते हैं, यहाँ पर 9 5G बैंड, 2 एक्स्ट्रा है लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव तो है। तो अब अपन आते हैं इसके कैमरा पे। कैमरा हमको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है रियर में, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। वैसे यहाँ पे AI कैमरा आता है और फ्रंट कैमरा हमको मिलता है 8 मेगापिक्सल का। अब इसकी क्वालिटी की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा मैंने सैंपल इसके लिए नहीं, बट मैंने नाइट में जाके फोटोग्राफी करी है, क्योंकि नाइट में पता चलता है कि कैमरा एक्चुअल में कैसा काम कर रहा है और क्या उसकी लिमिट्स है और कैसी कलर्स वो प्रोड्यूस कर सकता है नाइट में, तो वो भी स्क्रीन पर आपको विजिबल होंगे, आप देख सकते हो कैसे कलर्स आ रहे थे।
जैसे यहाँ पे OIS का सपोर्ट नहीं आता तो फिर वीडियो भी स्टेबल नहीं बनती है, जैसा आप इसको हैंडल करोगे वैसी वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। इसके अलावा फोटो क्वालिटी की बात करें, इंडोर में अगर अपन बात करें तो इंडोर में भी ठीक ठाक फोटोज आ जाती है, शार्पनेस ही थोड़ी सी मेंटेन कर लेता है। पोर्ट्रेट फोटोज मैंने कैप्चर करी थी, अच्छी फोटोज लेने की कोशिश करता है, बट हाँ वही बात है ना कि आप 10,000 की रेंज में कोई स्मार्टफोन ले तो परफेक्ट फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस आपको निकाल के नहीं देगा, थोड़े से एजेस मिस कर देता है। बाकी इसके अलावा अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी डिसेंट थी। इसके अलावा अगर इंडोर में आउटडोर में अगर लाइट सोर्स प्रॉपर है तो फिर ये डिटेल्स अच्छी खासी कैप्चर कर लेता है, बट हाँ फिर भी ज्यादा अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 10,000 की रेंज में आ रहा है। और इसके अलावा इसको अगर अपन जब चार्ज करते हैं तो फिर कैमरा के दोनों तरफ वो जो डायनेमिक आइसलैंड टाइप इफेक्ट बनता है जिसमें आपको चार्जिंग भी शो करेगा, नोटिफिकेशन भी शो कर देगा, वो सब भी चीजें इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा ओवरऑल देखें तो फिर काफी सही स्मार्टफोन था। वैसे इसकी अच्छी बात तो मुझे यही लगी थी कि अगर जिसका बजट 10,000 या फिर उसी के आसपास है और उसको अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए तो वो इसको जरूर बाय कर सकता है। रीजन ये है कि 5G तो है ही, 5G तो आप इसमें चला ही पाओगे और डिसेंट परफॉर्मेंस भी आ जाएगी, आप इसमें गेम भी खेल सकते हो, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक इसमें निकल कर आ जाती है। तो अगर आपको एक सेकेंडरी फोन या फिर प्राइमरी फोन भी रखना है जिसमें आप 5G यूज करना चाहते हो एक्चुअल में, तो फिर आप इसको जरूर परचेस कर सकते हो। वैसे प्राइस इसकी आई नहीं, जल्दी आ जाएगी, कल लॉन्च होने वाला है 26 अप्रैल को, तो फिर आपको पता चली जाएगा। तो कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, और हाँ चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर लेना। और हाँ लॉन्च होने के बाद अगर आप इस स्मार्टफोन को मुझसे परचेस करना चाहते हो तो फिर स्क्रीन पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ जिसपे आप मैसेज करके या फिर कॉल करके भी परचेस कर सकते हो। प्रीपेड ऑर्डर के थ्रू कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक धमाकेदार वीडियो में।